चालक परिचालक कल्याण संघ जिला सिवनी के द्वारा लगातार सरकार से अपनी वेतन संबंधित मांग की जाती रही है, लेकिन आज सरकार की निष्क्रियता को देखते हुए सरकार द्वारा पूंजीपति बस ऑपरेटर्स की मांगों को मानते हुए 5 माह का टैक्स माफ कर दिया गया है, ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि सितंबर माह का 50% टैक्स भी माफ किया जाएगा। आज सरकारी बस स्टैंड सिवनी में चालक परिचालक संघ के लगभग 150 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जिनका जीवन यापन मात्र वाहन चालन ही था। सभी की मांग है कि 7,500 से प्रति माह का वेतन 5 माह का या तो सरकार या बस मालिकों के द्वारा दिया जाए। इस संबंध में बैठक की गई एवं सभी ने निश्चय किया कि कोई भी गाड़ी में नहीं जाएगा। आज यहाँ पर पूंजी पतियों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन गरीब मजदूर चालक परिचालक मरणासन अवस्था में बैठा हुआ है। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। सभी की बैठक ली गई और सभी के सहमति से विचार तय किया गया है कि कोई भी सदस्य हमारा गाड़ी में नहीं जाएगा। पूंजीपति सरकार के द्वारा पूंजीपतियों की मांग मान ली गई है, 5 माह का टैक्स माफ कर दिया गया है और आज जो भी सुनी है सरकार ने वो सब पूंजीपतियों की और पैसे वालों की मांगें सुनी गई है, पूरी की गई। तो मैं सभी लोग से कहना चाहूँगा कि कोई भी, अब ये भी नहीं कह सकता कि कोई भी काम ना करे, काम करें, थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उस समय में हमारी भी मांगें सरकार के द्वारा मान ली जाएगी, ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। और सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि वो ठीक होते रहे, इंतजार करें और अपनी मांगों के लिए अड़े रहें। दूसरा निवेदन ये है कि एक स्वयं की समझदारी की बात है ड्राइवर कंडक्टरों की, अपने भाइयों की, कि आज हम बिना किसी सुरक्षा के अगर गाड़ी में जाते हैं तो हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा की गारंटी क्या है। तो सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि पहले इस बात को सुनिश्चित करें कि क्या जिस मोटर मालिक के पास हम जा रहे हैं वो हमारी मांगों को मानेगा, हमारी बीमारी की, हमारी सुरक्षा की गारंटी लेगा। मांग एक अलग चीज है, वेतन अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे हमारी जान से खिलवाड़ भी होगा और हमारे परिवार से। तो क्या हम लोग ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं कि हम अपने पूरे परिवार को सिर्फ इस आग में झोंक देंगे कि उस बीमारी के तहत किसको बीमारी लगती है, कौन जाता है, कौन रहता है, इस बात की सुरक्षा किसी की गारंटी नहीं है। पिछले समय भी हम लोगों ने 50 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम लोगों ने बीमा राशि की मांग की गई थी, जो अभी तक के किसी ने ना सुनी है ना पूरी की है। तो मैं सरकार से और अपने सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन करूँगा कि सबसे पहले खुद को और अपने लोगों को सुरक्षित करें, अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं हो जाती है कोई भी अपनी गाड़ी में ना जाए, ऐसा मेरा निवेदन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।